मेरे को दिख गया हवाई चप्पल है, वही चप्पल से मारे पहनने लायक नहीं रह जाएगा। अगर आप हवाई चप्पल पहन कर आए और कोई आपको धमकाए कि अगर आपने हवाई चप्पल पहनी तो आपको उन्हीं चप्पलों से मारूंगा, कि आप चप्पल पहनना भूल जाएंगे, चौंक गए ना, कैसा लगेगा आपको? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और आपका स्वागत है रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हवाई चप्पल पहन कर आते हैं और कोई आपको धमकाने लगता है ये कहते हुए कि आपको उन्हीं चप्पलों से मारूंगा अगर आपने हवाई चप्पल पहनी, कि आप चप्पल तक पहनना भूल जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ऐसा ही मामला झारखंड में सामने आया है, जहां का एक ऑडियो वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले ये वीडियो कि आखिरकार कौन और क्यों इस तरह की धमकी दे रहा है और किसको धमकी दे रहा है। पहले आप ये देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे ये पूरा माजरा है क्या। मेरे को दिख गया हवाई चप्पल, वही चप्पल से मारे पहनने लायक नहीं रह जाएगा। मेरे को दिख गया हवाई चप्पल, वही चप्पल से मारे पहनने लायक नहीं रह जाएगा। वीडियो में जो धमका रहा है असल में वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो झारखंड शिक्षा विभाग का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, आईएएस आदित्य रंजन। आईएएस आदित्य रंजन को आप इस वीडियो में सुन और देख रहे हैं, जो एक वर्कशॉप ले रहे थे और सभा में बैठे जो तमाम लोग हैं वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भी झारखंड के शिक्षक हैं। भरी सभा में आईएएस आदित्य रंजन इस तरह की धमकी दे रहे हैं शिक्षकों को, ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि अगर कोई भी शिक्षक हवाई चप्पल पहनकर आता है तो उन्हीं चप्पलों से उनकी पिटाई करेंगे, कि वो चप्पल तक पहनना भूल जाएंगे। अब आप सोचिए, ये जो शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको वो सीधे सीधे धमका रहे हैं। वर्कशॉप की तस्वीरें हैं जहाँ पर आईएएस आदित्य रंजन पहुंचे थे और शिक्षकों को वो धमकाते हुए नजर आए। मेरे को दिख गया हवाई चप्पल, वही चप्पल से मारे पहनने लायक नहीं रह जाएगा। अब शिक्षक जो वहां पर मौजूद हैं और झारखंड के जो तमाम शिक्षक हैं वो इससे बेहद नाराज हैं। उन्होंने उनकी इस धमकी की घोर निंदा की है और इसके अलावा उन्होंने बाकायदा भी ये मांग कर दी है कि इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर को उनके पद से हटाया जाए। शिक्षकों ने यहां तक की ठान ली है कि अब वो हवाई चप्पल में ही स्कूल जाएंगे। पिछले 2 से 3 दिनों में ये जो झारखंड के शिक्षक हैं वो या तो नंगे पांव या फिर चप्पल पहनकर स्कूल जा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदित्य रंजन को उनके पद से हटाया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बाकायदा उन्होंने अपनी इस मांग संबंधित ज्ञापन भी सौंप दिया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की धमकी को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि अभी तक आदित्य रंजन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षकों ने अब ये भी चेतावनी दे दी है कि वो सड़कों पर उतरेंगे और इस बात का विरोध करेंगे। साथ ही वो अपनी मांग को और बुलंद करेंगे कि जल्द से जल्द आदित्य रंजन, जो कि आईएएस हैं और शिक्षा विभाग में प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अब सवाल ये कि चलिए कोई पहुंच भी गया तो क्या आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? और जिनको आप भरी सभा में धमका रहे हैं वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, जो देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, और आप उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। हो सकता है किसी की मजबूरी भी हो तो भी क्या आप ऐसे उनको धमकाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।